महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव ने एनसीपी सरबरा शरद पवार से मुलाकात की और एक थर्ड फ्रंट के क्याम की तश्कील पर गुफ्तगू की, लेकिन जराए के मुताबिक शरद पवार ने वाजे कर दिया कि मुल्क में कांग्रेस के बिना कोई भी मुखालिफ बीजेपी फ्रंट नाकाबिल तसव्वुर है और उन्होंने वाजे किया कि जो भी फ्रंट तश्कील दिया जाता है उसमें कांग्रेस एक अहम रोल अदा करेगा। पहले तो मैं माननीय पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने तेलंगाना राज्य बनने के समय में 69 में जो एजिटेशन हुआ था तब से लेके तेलंगाना राज्य बनने का मुद्दा सफल होने तक जिस प्रकार का समर्थन दिया, सपोर्ट किया, हम पूरे जिंदगी में नहीं भूल सकते। तेलंगाना जनता के ओर से, मेरे ओर से मैं उनको बहुत बहुत इस बात का धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि पहली बार मैं उनके घर पे आया हूँ, वो मेरा फर्ज बनता है। वो हमारे बुजुर्ग है, हमारे सीनियर नेता है, हम उनसे सलाह मशवरा भी करने आए हैं कि देश ठीक से नहीं चल पा रहा है, जिस ढंग से हमको विकास करना चाह रहे उस ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ चेंजेस 75 साल के आज़ादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में नहीं हुआ है, तो उसके वजह भी, इसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि नए संकल्प के साथ, नए आशा के साथ, कोई नया एजेंडा लेकर के सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है। इसीलिए पवार जी के साथ जो मेरे विचार थे मैंने रखा है। बहुत ही अनुभवी नेता है हमारे देश का, काफ़ी पहले उनका रिकॉर्ड भी है कि हिंदुस्तान का सबसे पहले यंग चीफ मिनिस्टर थे, उस समय से लेकर आज तक सेवा में लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और बता दिए कि बिल्कुल काम करने का ज़रूरत है इस देश में,